गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग हाँ जी बच्चों, पेपर्स की तैयारी कैसे चल रही है? यूनिट टेस्ट की ठीक चल रही है तैयारी? चलो जी। हाँ जी, कल हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में रह गए थे, बाकी अब डन। तो एमसीक्यूज में से कौन सा किया था हमने? एक क्वेश्चन कर लिया था ना, सेकंड वाला, राइट? फोर्थ मॉड्यूल केस स्टडी एंड असर्शन रीजन हमने कर लिए थे। एमसीक्यूज आर लेफ्ट। एमसीक्यू में हमारे पास सेकंड एमसीक्यू वी हैव डन। फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ो जी जरा। फर्स्ट एमसीक्यू सेज डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमेरेटर बाय 3। हाँ जी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ो और बताओ मुझे क्या करोगे, फटाफट पढ़ लो। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिरेटर बाय 3। डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर्ड टू न्यूमिरेटर, और कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। बोलो जी। इफ आई टेक न्यूमिरेटर एज एक्स एंड डिनोमिनेटर एज वाई, तो सबसे पहले एक्स और वाई का रिलेशन बताओ क्या है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 बड़ा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। कोई ऐसा कहने वाला भी है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 3? क्वेश्चन से क्लियर है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ डालेंगे तो वो डिनोमिनेटर के बराबर बन पाएगा। सो डिन्यूमिरेटर में 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर आ गया, तो एक तो रिलेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्या कहा गया? इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिरेटर, अगर ये मेरे पास फ्रैक्शन न्यूमिरेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई लिया तो ये फ्रैक्शन था। अब क्या कर दिया हमने? 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, देन इट बिकम्स 1/5। फ्रैक्शन निकालने को कहा गया है। एक ये रिलेशन पढ़ा है, एक ये रिलेशन पढ़ा है, बताओ अब क्या करेंगे और आंसर कैसे निकालेंगे? चलिए चलिए फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ। एक्स इज 5 एंड वाई इज 8, सो आंसर विल बी 5/8। द फ्रैक्शन इज 5/8। सिंपली या तो बहुत ही आसान हो गया, वाई को एक्स प्लस 3 डाल देते हैं। वाई को जब यहाँ एक्स प्लस 3 डालेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x-15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 4x इज इक्वल टू 20, सो एक्स की वैल्यू 5। और अगर एक्स 5 है तो वाई 8 हो जाएगा, और फ्रैक्शन 5/8 हो जाएगा।
सबसे पहले कंडीशन मुझे क्या दे रखी थी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिरेटर से 3 ज्यादा, सो मैंने डिनोमिनेटर को कहा एक्स प्लस 3। फिर कहा गया न्यूमिरेटर में से 3 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन 1/5 बन जाता है। यहां से वाई की वैल्यू एक्स प्लस 3 डाली हमने, तो ये एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एक्स की वैल्यू एज 5। इफ एक्स इज 5 वाई विल ऑब्वियसली बी 8। अब जरा थर्ड क्वेश्चन भी फ्रैक्शन बेस्ड है, जल्दी जल्दी, जरा 2 मिनट दे रही हूं, जल्दी से करो सारे। क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने अब माइक के पास बुला करके पूछनी है कंडीशन कहां पर कैसे लगा रहे हो। जरा जल्दी जल्दी करो और फिर मुझे बताओ। न्यूमिरेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई ही लेट कर लेते हैं। फटाफट से बनाना शुरू करो फ्रैक्शन, क्या क्या दिया है आपको, न्यूमिरेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है। अनामिका फ्रॉम 10th थे। आजा बेटा फटाफट अपनी मॉड्यूल साथ में लेकर के आना माइक के पास, फटाफट आ जाओ फटाफट क्विक। हाँ जी बेटा, क्या कहा गया है मुझे, इन अ फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। मैंने न्यूमरेटर को अभी एज्यूम किया है एक्स, अब जो मुझे सिचुएशन दी है उसको मैं केस 1 कह देती हूँ। इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 3 मीन्स 3x3x। चलिए आगे बढ़िए, क्या कहा, डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, मतलब जो खड़ा है वो बोल रहा है डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3। रिड्यूस का मतलब कम करना कि बढ़ाना, माइनस, वेरी गुड। तो क्या कर दूं, वाई माइनस 3। फिर क्या कहा गया मुझे, अगर मैं ऐसे कर रही हूं तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 18/11। पहले एक्स बाय वाई था, अब एक्स को 3x कर दिया, वाई को वाई माइनस 3 कर दिया, तो फ्रैक्शन 18/11। बोलो बेटा क्या इक्वेशन बनाऊं अब मैं, बेटा आपने अपने न्यूमरेटर का फ्रैक्शन ढूंढ लिया, न्यूमरेटर भी ढूंढ लिया, डिनोमिनेटर भी ढूंढ लिया। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पता हो तो फ्रैक्शन कैसे लिखो बच्चे, बेटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3x/, -3 और ये किसके इक्वल दिया है, 11 18/11 के। चलिए जी, अब मेरे पास 10th B से सपना, सपना फ्रॉम 10th B, चलो जी अगली स्टेटमेंट पढ़ो बेटा।
आगे कहा गया न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय एट. मैं केस टू लिख देती हूँ, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय एट, मतलब एक्स प्लस एट. 8 से इंक्रीज करने का मतलब ऐड करेंगे, यहाँ डिक्रीज कर रहे थे तो माइनस कर दिया था. एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड. हाँ जी, डबल करने का मतलब, हाँ जी, प्लस सोना होना. डबल करने का मतलब प्लस होना होता है. जो नंबर ऑलरेडी है उसका डबल मींस. हाँ, उसका डबल मीन्स, मान लो मैं कहूँ 4 है, 4 का डबल करना है तो मल्टीप्लाई करना उसे. एग्जैक्टली डबल मीन्स मल्टीप्लाई करना. किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से, 3 से, 4 से, किससे बेटा? 2 से. तो मेरे पास डिनोमिनेटर वाई था, अभी कर दिया मैंने 2y. चलिए सीट पर चलिए. क्या कहा गया मुझे? न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड. बहुत से वर्ड्स यूज कर सकते हैं. न्यूमरेटर इज डबल्ड, न्यूमरेटर इज मेड 3 times, कुछ भी आपके पास हो सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन जाती है, और ऐसा करने से फ्रैक्शन क्या बन गया है? 2/5. इसका मतलब x प्लस 8 अपॉन 2y इज इक्वल टू 2/5. अब एक ये इक्वेशन पड़ी है आपके पास, एक ये पड़ी है, सॉल्व करके x और y निकालना है. देखें जरा क्या करते. पहले ये दोनों सिचुएशंस बता दो, समझ में आ गया सभी को? एनी यस वन हु इज नॉट एबल टू गेट इट, आ जाओ माइक के पास और पूछ लो जल्दी से. पहले कहा गया न्यूमरेटर को 3 times किया, डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस किया. 3 times करने का मतलब मल्टीप्लीकेशन, रिड्यूस करने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना. जब ये किया तो जो फ्रैक्शन बना वो 18/11 था. फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके 18/11 से इक्वेट कर दिया हमने. अगली सिचुएशन में कहा गया कि न्यूमरेटर को 8 से इंक्रीज कर दिया गया और डिनोमिनेटर को डबल कर दिया. डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया. तो फ्रैक्शन x प्लस 8 अपॉन 2y, और इस केस में फ्रैक्शन दिया है 2/5. यू हैव टू इक्वेशंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको भी, इसको भी. और क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले देख लिया करो, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही हो तो पहले वो कर लो, आसान काम बन जाता है. देखें जरा कैसे सॉल्व करते हो इक्वेशंस. हाँ जी, यहां पर सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये 3 और 18 कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले तो ये बता दो मुझे. इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड में अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें कुछ कॉमन है, क्या कैंसिल हो जाता है या नहीं? यस और नो, पहले तो जल्दी जल्दी बोलो. तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया x अपॉन y माइनस 3 इज इक्वल टू 6/11. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 11x इज इक्वल टू 6y माइनस 18, और 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18. तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, 11x इज इक्वल टू 6y माइनस 18, या मैंने इसको कर दिया माइनस 6y, इधर शिफ्ट किया, इज इक्वल टू माइनस 18. क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40. अब एक ये इक्वेशन है आपके पास, एक ये इक्वेशन. सो नाउ माय क्वेश्चन रिड्यूसेस टू सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस.
The two equations that I am having are 11x minus 6y is equal to minus 18 and 5x minus 4y is equal to minus 40. Option. A option 12 upon 25. Dekhte hain zara baakiyon ka kya answer aa raha hai. Let us check what others get. अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों में ही थोड़ा काम ज्यादा करना ही पड़ेगा. कोई भी कोफिशिएंट वन नहीं है, सारे डिफरेंट हैं, तो दोनों ही मेथड्स में थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट हमें करना पड़ेगा. जो सा मर्जी मेथड आप लगा सकते हो. हाँ जी, कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम सॉल्व करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो कि एलिमिनेशन लगा रहे हो? सब्स्टिट्यूशन. चलो दोनों ही लग रहे हैं, कोई कोई लगा रहा होगा, कोई कोई लगा रहा होगा. तो यहां से आपके पास दो तरीके हैं. इस इक्वेशन में से x की वैल्यू या तो फिर y की वैल्यू उठा करके इसमें डाल दो, या फिर आप कॉफिशियंट्स को सेम करें एलिमिनेशन मेथड लगा. एलिमिनेशन मेथड के लिए भी यहाँ 6 और यहाँ पर 4 है. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम बन जाएगा. 6 2 जार 12 एंड 4 3 जार 12. सो 22x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 36. 15x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 120. जब इक्वेशंस में आपके पास कोफिशिएंट्स यूनिटी नहीं हो तब एलिमिनेशन ही प्रेफर किया करो. सब्स्टिट्यूशन में गलती होने का चांस बढ़ जाता है. लेट अस से आप इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते, 6y माइनस 18, तो x है 6y माइनस 18 डिवाइड बाय 11. यहां डालोगे तो डिनोमिनेटर में 11 आ गया, फिर एलसीएम लेना और वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर करोगे, फॉर श्योर करोगे तुम गड़बड़ उसमें. सो कोशिश क्या करो, ऐसी सिचुएशंस में एलिमिनेशन मेथड प्रेफर किया करो एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन. गलत कोई नहीं है, दोनों ही लगा सकते हो, आंसर दोनों से ही आएगा. लेकिन हमें यह देखना कि कहां पर हम अपनी गलती को रिड्यूस कर सकते हैं, चांसेस कम कर सकते हैं गलती होने का. तो मैंने यहां पर क्या देखा, ये 6 और 4 ऐसे दो नंबर मुझे मिल गए जिनको इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके मैं बराबर कर सकती हूँ. सो पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया. दोनों का साइन चेंज है, इसका मतलब मुझे जाना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन पर. 7x इज इक्वल टू 120 माइनस 36, 84. पॉजिटिव का आएगा तो x हो गया 84 बाय 7, तो x की वैल्यू हुई 12. और जब x को मैं 12 इस इक्वेशन में डाल देती हूँ, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40. 60 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40. माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 100. सो y बिकम्स 25. सो द फ्रैक्शन इज 12 अपॉन 25, विच इज ऑप्शन ए. दोबारा देखो हमने क्या मेथड लगाया है. मैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा सकती हूं, लेकिन अगेन आई से डोंट गो फॉर दैट. गलती होने का चांस, जब डिनोमिनेटर में कुछ आना शुरू हो जाए फिर एलसीएम लेना पड़े, वो गड़बड़ करता ही करता है. सो ट्राई टू अवॉइड दैट. हमने यहां पर लगाया है एलिमिनेशन का मेथड. एलिमिनेशन के लिए मैं वाई को एलिमिनेट कर रही हूं क्योंकि यहाँ 6 और 4 पड़ा था, दोनों को बराबर कर सकती हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके. दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस लगाएंगे तभी कैंसल आउट होगा. तो वहां से x की वैल्यू 12 मिल गई, जब x की वैल्यू डाली तो y 25 मिल गया. तो आंसर फॉर दिस इज 12 अपॉन 25, दैट इज ऑप्शन. हाँ जी, इज इट ओके? समझ में आया सभी को? कोई सा स्टेप जो समझ में नहीं आया हो प्लीज पूछिए.
और अगर आपको ये दो और तीन से मल्टीप्लाई करने में भी कुछ दिक्कत नजर आ रही है तो नॉर्मल कर सकते हो, ये बराबर करना है इसको 5 से, इसको 11 से, या इसको 4 से, इसको 6 से कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि ये फैक्टर कहाँ से, आप इसके सोचने के लिए हम अपना दिमाग खराब करते फिर, समझ रहे हो। ये सारी चीजें जो करी जाती है कैलकुलेशन को कम करने के लिए, जितनी छोटी कैलकुलेशन करोगे उतनी गलतियां भी कम करोगे, सिर्फ इसी बात को ध्यान में रख के काम किया जाता है। अगर आपको ये फैक्टर समझ नहीं आ रहा तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं तो हम कह देते हैं अगर एक्स के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है, यहाँ 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसके कोफिशिएंट्स को बराबर कर लो। दैट वी ऑल्सो यू कैन डू। लेकिन उस केस में फिर जब आप 5 से या 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बस वही होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, मेथड को पहले अच्छे से समझ लो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन्हें वर्कआउट कर लो एंड देन अप्लाई। ठीक है जी, समझ में आ गया, चलें आगे। बोलो बच्चों, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, रीड क्वेश्चन नंबर 4। चल शाबाश, जल्दी जल्दी पढ़ो और बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन देख करके रुक जाती हूं ताकि आप लोग खुद थोड़ा कुछ सोचेंगे तो क्वेश्चंस करने की आदत पड़ेगी, क्योंकि पेपर में जो भी कुछ आएगा वो किया हुआ तो आने नहीं वाला है, कुछ तो भी डिफरेंट आएगा ही, और सोचेंगे नहीं तो बात बननी नहीं है। पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो और फिर मुझे बताओ। हाँ जी, क्या कहा गया है मुझे क्वेश्चन में। अ पर्स कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1 एंड 50 पैसा। दो तरह के कॉइन्स पड़े हैं मेरे पास, 1 रुपी के कॉइन एंड 50 पैसा कॉइन्स। द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन रुपीज इज 14 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। मान लो अगर मेरे पास 10 कॉइन्स पड़े हैं मिल करके, अब कौन से कितने हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन टोटल 10 कॉइन्स मेरे पास पड़े हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन 14 कम है टोटल नंबर ऑफ कॉइन से। मतलब मान लेते हैं हम कि मेरे पास वैल्यू ऑफ रुपीज इज, या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इसके अगर मैं एक्स ले लूं, इसके वाई ले लूं, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? इज इक्वल टू, ध्यान से समझना है पहले बात को, डिनोमिनेशन के क्वेश्चंस आप लोगों ने 8th क्लास में भी किए थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर, इफ यू रिमेम्बर। हमारे पास दो तरह के कॉइन पड़े हैं, 1 रुपी का कॉइन और 50 पैसा का कॉइन। अब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कितने कॉइन्स पड़े हैं और उनकी वैल्यू क्या है, हाउ मेनी रुपीज आर दे फॉर्मिंग, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। अगर 1 रुपए के 5 कॉइन हो तो मेरे पास 5 रुपए बनेंगे,
लेकिन अगर 50 पैसा के 5 कॉइन्स हो तो हाउ मेनी रुपीज विल आई हैव? हाँ टू एंड हाफ, 2.5 रुपए बनेंगे मेरे पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉइन्स एंड वैल्यू ऑफ कॉइन्स. ये बात समझ में आती है? अगर 1 रुपए के एक्स कॉइन्स पड़े हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हुई इन रुपीज? एक्स कॉइन्स इज सेम एज एक्स रुपीज. 10 कॉइन पड़े हैं 1 रुपए के तो 10 रुपए हो गए, 20 पड़े हैं तो 20 रुपए हो गए, 50 हैं तो 50 रुपए हो गए. लेकिन एक्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपी इज सेम एज रुपीज एक्स, बट वाई कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इज इट वाई रुपीज? क्या ये वाई रुपीज होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे. कैसे लिखूं इसको? अगर 50 पैसे के मेरे पास 10 कॉइन्स हैं तो 5 रुपए मिलते हैं मुझे. 5 कॉइन्स हैं तो 2.5 रुपए होते हैं. 12 कॉइन्स हो तो 6 रुपए होते हैं. 18 कॉइन्स हो तो 9 रुपए होते हैं. तो अगर वाई कॉइन्स होंगे तो हाउ मेनी रुपीज विल आई हैव? बाय 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 2. सिंपल, 50 पैसा को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हो 1/2, एक कॉइन की वैल्यू 1/2, तो वाई कॉइन्स की वैल्यू 1/2. ये बात जिस जिसको समझ में नहीं आई है हाथ उठा दो. 50 पैसे के वाई कॉइन्स इन रुपीज इज 1/2, क्योंकि 50 पैसा इज सेम एज हाफ ऑफ अ रुपी. तो एक कॉइन 50 पैसे का अगर है तो वो रुपीज में हाफ है, तो वाई कॉइन्स 1/2 हो जाएंगे इन रुपीज. अब बताओ अगर मेरे पास 25 पैसा के कॉइन्स हो, लेट अस से मेरे पास जेड कॉइन्स हैं 25 पैसा के, हाउ मेनी रुपीज विल दे फॉर्म? 1/4 Z/4, क्योंकि 25 पैसा इज 25 डिवाइड बाय 100, 1/4 ऑफ अ रुपी. 25 पैसा 1/4 ऑफ अ रुपी है. तो अगर एक कॉइन है तो 1/4 ऑफ अ रुपी, जेड कॉइन्स हैं तो Z/4 रुपीज. अब मुझे यहां से दो बातें समझ में आती हैं. एक, मेरे पास जो टोटल कॉइन्स हैं वो हैं X+Y, और उन कॉइन्स की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू इन रुपीज इज X+Y/2. इज इट ओके? हाँ ना, कुछ बोल दिया करो. ये बात समझ में आई है? Yes. आप फिर क्वेश्चन पढ़ो, और इक्वेशन पूछनी है मैंने. अभी पूछूंगी, किसी से भी पूछ लूंगी. तुम पहले इक्वेशन बनाओ. टोटल वैल्यू इज 14 लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉइंस. ये वैल्यू 14 कम है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स से. टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज 14 लेस देन दी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. इसका मतलब अगर मैं इसमें 14 ऐड करूं तो वो इसके बराबर बनेगा, या इसमें से 14 माइनस करूं तो इसके बराबर बनेगा? माइनस हाँ जी, माइनस करूं. एड दो चीजें पूछी थी, एक कोई ऐड कह रहा है, कोई सब्ट्रैक्ट कह रहा है. तो अब मैं किधर जाऊं, ऐड वाले के साथ जाऊं कि सब्ट्रैक्ट वाले के साथ जाऊं? एड ये कम है बच्चों, ध्यान से इस बात को समझो. आप कल भी यही गलती कर रहे थे. हमने क्या कहा? ये 14 कम है इसके कंपैरिजन में. इसका मतलब इसमें 14 डालूं तो इसके बराबर बनेगा, अगर 14 निकाल दूंगी तो ये तो और कम हो गया, इससे बराबर कैसे जाएगा? जो चीज पहले ही कम है अगर उसमें से कुछ आप निकालना शुरू कर दोगे तो वो और कम हो जाएगी, बढ़ तो नहीं सकते.
दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये 14 कम है किससे? टोटल कॉइन्स से. अगर ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में 14 कम है तो मुझे इसमें 14 ऐड करने पड़ेंगे तभी तो इक्वालिटी पे जाओगे, वरना तो इक्वल होगा नहीं. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर तो ये और कम हो जाएगा, बराबर कैसे हो पाएगा? x और x कैंसिल हो गया, y अपॉन 2 + 14 इज इक्वल टू y. सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है, सॉल्व करके y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 28. मेरे पास है y by 2 + 14 is equal to y. 14 is equal to y minus y by 2. y में से y by 2 निकाल दूं तो y by 2. So y 28. इसका मतलब 50 पैसा के 28 कॉइन्स हैं मेरे पास. 50 पैसा कॉइन्स ही पूछे गए हैं मुझसे. नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज बीइंग आस्क्ड एंड दैट इज 28. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूं, दो चीजें क्वेश्चन में समझने जैसी थी. एक, अगर कॉइन्स एक्स एंड वाई हैं, 50 पैसा कॉइन्स जितने कॉइन्स है उससे आधी वैल्यू देता है इन रुपीज, क्योंकि 50 पैसे हाफ ऑफ अ रूपी के इक्वल हैं. तो अगर 10 कॉइन पड़े होंगे तो उसकी वैल्यू 5 रुपए होगी, 20 कॉइन पड़े होंगे तो 10 रुपए वैल्यू होगी, 18 पड़े होंगे तो 9 रुपए वैल्यू होगी. तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इसको y by 2 कर दिया. सो टोटल वैल्यू इज x plus y by 2, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज x plus y. वैल्यू कॉइन्स के कंपैरिजन में 14 कम थी, इसका मतलब इसमें 14 मिला दूं तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर हो जाएगा. यहां से y निकाल दिया हमने, 28. चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन. अगेन डिनोमिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, अब ये आपको करना है ध्यान से और मुझे आंसर बताना है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्वाइट इजी, जल्दी जल्दी कर दो. डी ऑप्शन इज करेक्ट. हाँ जी, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है मेरे पास. सबका आ गया ये जी. सो ये हमने मॉड्यूल फिनिश कर लिया है. अब आपके पॉलिनोमियल्स का चैप्टर एंड लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और तीन चैप्टर्स आने हैं आपके पास, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. किसी भी चैप्टर में अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, उसी के हम थोड़े से क्वेश्चन और कर सकते हैं.
हाँ जी, तैयारी तो शुरू कर दी होगी अभी तक, अभी तक पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ जी, तीनों चैप्टर अच्छे से तैयार हो गए हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का? किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन करवा लो फिर, मैं अब दे दूं क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का। चलो फिर लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर। आप लोग नहीं बताओगे प्रॉब्लम तो फिर मुझे प्रॉब्लम बतानी पड़ती है ना, फिर आप बता दो तो ठीक रहता है। लो जी, देर आर टू नंबर्स गिवन, 510 एंड 92। 510 एंड 92, फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए जल्दी से। HCF is 2. HCF is 2। चलो देखते हैं, निकालिए जी, बाकी भी जल्दी से निकालो, क्या आ रहा है बताओ। HCF 2 आ रहा है। ओके, और एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है मुझे? प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइव हंड्रेड टेन का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 510 इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जब 92 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 23। 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 92 आई विल राइट 2 स्क्वायर इंटू 23। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर देखनी होती है कि लोएस्ट देखनी होती है? हाँ जी, हाईएस्ट और लोएस्ट? लोएस्ट जो कॉमन हो सब में। सबसे पहले तो सिर्फ दो ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, बाकी 3, 5, 17 इसके फैक्टर्स हैं, इसके नहीं है। 23 इसका फैक्टर है, इसका नहीं है। एंड यहाँ पर 2 पावर 1 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, सो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 इज 1, सो HCF इज 2। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं?
हाईएस्ट पावर, टू स्क्वायर, और जो अलग से पड़े हैं वो आपको सारे के सारे मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं, सभी के सिंगल सिंगल पावर है। सो 3, 5, 17, 23। एलसीएम इज 2 स्क्वायर, 3, 5, 17, 23, एंड एचसीएफ इज 2। इन सब की मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू द एलसीएम, दैट इज 2, 3, 4, 6, 0। ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है ये देखना है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 510 विद 92 एंड 2, 3, 4, 6, 0 विद 2, एंड यू हैव टू सी क्या दोनों सेम बातें मिल रही हैं या नहीं मिल रही Yes. Yes. हैं। ठीक है जी, अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी कुछ कंफ्यूजन समझ में आ रही है मुझे। 90 एंड 144 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना जरा, 90 एंड 144। आई वांट बोथ एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही आपको करना है, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस में है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से ही चल रही है आपकी। तो गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लोएस्ट पावर कॉमन मल्टीपल की जो मिल रही है, कॉमन फैक्टर की जो मिल रही है वो एचसीएफ में जाएगी, और जो हाईएस्ट होगी वो एलसीएम में जाएगी। HCF is 18. HCF is 18 and LCM is 17. सेवन ट्वेंटी इज दी एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हमें करनी है, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 45, 3, 15, 3, 5। सो 90 आई कैन राइट 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। 144 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 144 इज 2 पावर 4 इंटू 3 क्यूब, सॉरी 3 स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 इज कमिंग 2 टाइम्स एंड 2 इज कमिंग 4 टाइम्स। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 90 और 144। अब एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स कौन से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं? प्राइम फैक्टर जो 90 में भी पड़ा है और 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी पड़ा है कौन सा है? एंड यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 4 है, सो शुड आई टेक 1 और शुड आई टेक 4? 1। एचसीएफ में लीस्ट पावर ली जाती है, और 3 की पावर, सो 2 इंटू 9 एचसीएफ इज 18। और एलसीएम में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो कॉमन है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जितने पॉसिबल प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं पहले सारे के सारे लिख लेते हैं, 2, 3 और 5। अब 2 की पावर कितनी? 4। हाईएस्ट पावर देखते हैं तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर, तो 2 पावर 4 इज 16 इंटू 5 इंटू 9, 80 इंटू 9, 720।
और अगर आप देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस पे मल्टीपल चॉइस में, या अदरवाइज आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं। क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एंड दिस इज वैलिड ओनली व्हेन आई टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स। अगर दो से ज्यादा नंबर्स की बात करें तो ये रिजल्ट आपका एप्लीकेबल नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सर क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16, एंड देयर प्रोडक्ट इज, एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इज गिवन टू बी 3072। यू हैव टू फाइंड दी एल सी एम ऑफ द नंबर्स। फाइंड एल सी एम ऑफ दी नंबर्स। वन हंड्रेड नाइन्टी टू। इसी रिजल्ट को वापस मैंने यूज करना है, जो जो वैल्यू पता है सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एलसीएम नहीं पता, एचसीएफ 16 है, प्रोडक्ट 3072। सो टू गेट द एलसीएम आई वांट टू डिवाइड 3072 विद 16। और जब आप इसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर 192 बन रहा है। ठीक है जी। तो ये जो आपका रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से दूसरा टाइप जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, और √7 इज इरेशनल, और √3 इज इरेशनल। आता है सभी को? पक्का? ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस पे से क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है। ठीक है जी। √5 इज इरेशनल या 3 + √5 इज इरेशनल, कुछ भी ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास इसमें से आ सकते हैं। चलिए जी, एक क्वेश्चन लिखिए। वर्ड प्रॉब्लम्स एलसीएम एचसीएफ की छठी क्लास में करते थे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है तो वर्ड प्रॉब्लम्स प्रॉबेबली बन सकती हैं उस पे और आ सकती हैं। लिखो जी। इन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन्स, इन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर, स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ही कैन कवर, ईच ऑफ देम कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। सबसे पहले मतलब समझना है कंप्लीट स्टेप्स का। मतलब ये जो ए पर्सन है, लेट अस नेम देम ए बी सी, ये जब एक स्टेप ले रहा है तो 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है।
अगर इसको दो स्टेप लेने हैं तो 160 सेंटीमीटर, लेट अस से 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, तो क्या ये दो स्टेप ले सकता है? अगर एक पर्सन जिसका एक स्टेप 80 सेंटीमीटर का है, तो क्या वो दो कंप्लीट स्टेप ले पाएगा अगर डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर हो तो? नहीं ले पाएगा। एक स्टेप 80 का और दूसरा उसके पास 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही नहीं बचा। तो मुझे क्या कहा जा रहा है कि वो डिस्टेंस बताओ जिसमें तीनों कंप्लीट स्टेप्स कर पाए, पूरे पूरे उनके स्टेप हो, आधा स्टेप नहीं हो, पूरा स्टेप हो। क्वेश्चन समझ में आया है? बोलो जी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपको एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढना है जिसमें तीनों कंप्लीट स्टेप्स ले पाए, मतलब 80 सेंटीमीटर के, 85 सेंटीमीटर के, 90 सेंटीमीटर के पूरे पूरे स्टेप हो जाएं। ये नहीं है कि 80 सेंटीमीटर चलने के बाद सिर्फ 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बच जाए या 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बच जाए। ये अगर 85 सेंटीमीटर के स्टेप ले रहा है तो 85 85 के मल्टीपल्स में डिस्टेंस पड़ा होना चाहिए, इसके लिए 90 के मल्टीपल्स में डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा क्या डिस्टेंस होगा ये आपने मुझे बताना है। 12,240 12,240 सेंटीमीटर, यूनिट बोलो, 12,240 सेंटीमीटर। एक ही आंसर आया अभी तक मेरे पास। जिस जिसका आंसर आ गया जरा हाथ खड़ा करना। 10th डी से खड़ा हो रहा है हाथ, सी से खड़ा हो रहा है, अभी ए बी एफ से भी खड़े हो गए हैं, कुछ ई से भी हैं, ए और बी वाले अभी बैठे ही हैं, ए में से भी कुछ हाथ खड़े हैं, बी में से कोई हाथ नजर नहीं आ रहा, पीछे से नजर आए हैं दो तीन। चलिए जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? आर यू सपोज टू फाइंड आउट एलसीएम और यू आर सपोज टू फाइंड आउट एचसीएफ? क्योंकि जो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो इन तीनों से बड़ा होने वाला है, और एलसीएम जो है किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए, बच्चों क्या उन दो नंबर से छोटा हो सकता है मेरा एलसीएम? अगर मैं किन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालने को बोलूं, क्या उन दोनों से छोटा हो सकता है मेरा एलसीएम? और एचसीएफ क्या उन दो नंबर से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्वेश्चन को पढ़ करके अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके ये समझने की कोशिश करो कि जो मेरा आंसर है क्या वो इन गिवन नंबर से छोटा चाहिए या इनसे बड़ा चाहिए। क्वेश्चन की सेंस वहीं से समझ में आ जाती है। अगर तीनों से बड़ा वाला आंसर मीन्स यू हैव टू गो फॉर एलसीएम, छोटे वाला आंसर इट मीन्स यू हैव टू गो फॉर एचसीएफ। यहां पर जो भी मेरा डिस्टेंस होगा वो इन तीनों से ऑब्वियसली बड़े होने वाला है, तो मुझे यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है एलसीएम ऑफ 80 85 एंड 90, विच इज कमिंग आउट टू बी 12240। एलसीएम कैसे लेना है ये हम कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन फैक्टर्स, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स और मैक्सिमम पावर हमें लेनी रहती है फॉर एलसीएम। चलो बच्चों, बिल्कुल छोटी 6th क्लास की बात है, एक दो चीजें मैं पूछ रही हूँ, जरा फटाफट से सबने ने आंसर करना है। अगर मुझे किसी भी नंबर के मल्टीपल्स लिखने हो, हाउ मेनी मल्टीपल्स कैन आई राइट फॉर अ नंबर? लेटर से मैं आपको कहूँ 5 के मल्टीपल्स बताओ, कितने मल्टीपल लिख सकते हो 5 के? 1 and 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 1 and 5। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? हाउ डू गेट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर? व्हेन दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय काउंटिंग नंबर्स यू गेट द मल्टीपल्स। 5, 10, 15, 20, 25, 30, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24, 30, मल्टीपल्स ऑफ 6। इसका मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं तो उस नंबर को काउंटिंग नंबर्स से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब बताओ कितने मल्टीपल लिख सकते हो एक नंबर के?
इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं, सो किसी भी नंबर के लिए इनफाइनाइट मल्टीपल्स लिखे जा सकते हैं और मल्टीपल्स की वैल्यू या तो नंबर के बराबर होती है या उससे बड़ी होगी, कभी भी मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ अ नंबर? Divides the given number. It divides the number completely without leaving any remainder. Exact divisor जो होता है वो होते हैं factors. आप किसी भी number के कितने factors लिख सकते हो? Is are they countable or are they also infinite? Countable. Finite factors होंगे किसी भी given number के और उन factors की value एट द मोस्ट नंबर हो सकता है या फिर उससे नीचे हो सकता है. अगर मैं आपको बोलूं 32 के फैक्टर्स लिखो, बता सकते हो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 32? इज 3 अ फैक्टर ऑफ 32? नो. 1 क्या सभी का फैक्टर होता है? वन एंड द नंबर इट सेल्फ आर द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर. और उसके बाद एग्जैक्ट डिवाइजर्स देखते जाने हैं. 32 दो से डिवाइड होगा, सो दो इज अ फैक्टर. 3 इज नॉट द फैक्टर. 4 इज द फैक्टर. 5 इज नॉट द फैक्टर. 6 इज नॉट द फैक्टर. तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स काउंट करने हैं और फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं. फैक्टर्स आपके पास छोटे होते हैं नंबर के कंपैरिजन में, मल्टीपल्स बड़े होते हैं. इसीलिए जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की बात कर रहे हैं तो मेरा आंसर हमेशा नंबर्स के कंपैरिजन में बड़ा आएगा. एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हो तो हमेशा आंसर एज कंपेयर टू योर नंबर्स लेस होगा या तो फिर उसके बराबर हो सकता है. ठीक है जी. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you.